नमस्कार सभी लोगों को। कुछ और लोग जुड़ जाते हैं फिर हम अपना लाइव शुरू करते हैं। क्या आप सब हमें सुन सकते हैं? नमस्कार। यदि आप सुन सकते हैं तो आप भी अपने तरफ से कुछ लिखिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप सब हमें सुन सकते हैं। नमस्कार। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सबको नमस्कार। दीपा जी नमस्कार आपको। धन्यवाद जुड़ने के लिए दीपा जी। बस 2-3 मिनट और हम लोगों को जुड़ने देते हैं फिर हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। 2 मिनट और समय देते हैं ताकि लोग जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा बताने के लिए कि आप हमें सुन पा रहे हैं। जो भी लोग जुड़े हैं उनको धन्यवाद और वाणी प्रकाशन को खास धन्यवाद क्योंकि ये फेसबुक लाइव वाणी प्रकाशन के सौजन्य से है और रीड विद वाणी जो कैंपेन है वो बहुत ही अहम कैंपेन है और ऐसे वक्त में जब लोग घरों में बैठे हैं लोगों के पास थोड़ा क्वालिटी समय है तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक दूसरे से विचार बांट सकते हैं। तो ऐसे समय में जो वाणी प्रकाशन का ये कैंपेन है और ये जो मुहिम है साहित्य महोत्सव का ये बहुत ही बढ़िया कैंपेन है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। और जैसे ही हमें ये न्योता मिला इससे जुड़ने के लिए हमने बिल्कुल हामी भर दी और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ अपना विचार बांट सकेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ विचार बांट सकेंगे। सुधा उपाध्याय जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मैं कह रहा था कि एक तो स्वागत कर रहा हूँ सब लोगों का और उसके साथ साथ वाणी प्रकाशन का धन्यवाद कर रहा हूँ कि वाणी प्रकाशन ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है साहित्य महोत्सव का रीड विथ वाणी जो उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें प्रमोट कर रहे हैं बुक्स को और पढ़ने की हैबिट्स को, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना से लोग घरों में बैठे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है वाणी प्रकाशन की। सुनीता बुद्धिराज जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सुशील विहान जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील विहान जी नमस्ते आपको। सभी लोगों को नमस्ते जो लोग भी जुड़ रहे हैं हमसे बात करने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए। किरण पंत पांडे जी नमस्कार कर रही हैं। किरण पंत पांडे जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सब अपने घरों में अपना ख्याल रख रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं अपने घर के कामों को करने के अलावा। तो सुधा उपाध्याय जी सराहनीय कार्यवाणी का वक्त सरल करने की कोशिश साहित्य समाज जुड़ाए। बहुत अच्छी बात कही आपने सुधा जी, मैं भी यही कह रहा था कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है वाणी प्रकाशन का और इस प्रयास में हम सब सामने आए, मदद करें और एक साथ जुड़ के बात करें। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जो समय हमने निर्धारित किया है उस समय से हम आगे बढ़ गए हैं और अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। आज जो हमने मुद्दा लिया है वो है जन शिक्षा की मजबूती एवं स्वायत्तता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पब्लिक एजुकेशन का। और मेरी जो किताब आई है वाणी से उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा
कटिहार टू कैनेडी द रोड लेस ट्रैवल्ड, ये वाणी प्रकाशन के द्वारा पहली इंग्लिश किताब है और मैं इसके लिए सौभाग्यवान मानता हूँ कि मेरी पहली किताब और वाणी प्रकाशन की पहली इंग्लिश किताब ये दोनों एक साथ सामने आई और इसी का परिणाम है कटिहार टू कैनेडी हम दोनों के साथ आने का। और कटिहार टू कैनेडी जो किताब है वो एक ऐसे व्यक्ति की जर्नी है, वो मेरी जर्नी है कि कैसे छोटे शहर से स्ट्रगल करता हुआ तरह तरह के स्ट्रगल्स के साथ एक व्यक्ति बाहर निकलता है, एक लड़का शहर से बाहर निकलता है और कैसे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करता है और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल तक पढ़ाई करने के लिए जाता है और लौट कर क्या क्या काम करता है। तो आपको मौका लगे तो आप किताब ज़रूर पढ़िएगा, अमेजन पे उपलब्ध है और सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है, तो आप सॉफ्ट कॉपी तो अभी घर पे लेके आप पढ़ी सकती हैं पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें। और हम बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस किताब में एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस दिया है हमने और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और खास करके पब्लिक एजुकेशन के इम्पोर्टेंस की बात हमने कही है। तो सुधा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, जनशिक्षा अहम मुद्दा है, दिलचस्पी बढ़ रही है तो हम दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं हम आज के दौर से, आज के दौर में एक ग्लोबल चुनौती से हम गुजर रहे हैं, राष्ट्रीय चुनौती भी बना हुआ है ना, कोरोना वायरस से सब लोग घबराए हुए हैं, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सरकार अपने तरफ से जितना कुछ करना संभव है सरकार की तरफ से वो कर रही है और हम लोगों से ये निवेदन कर रही है सरकार बार बार कि आप घरों में रहें, लॉकडाउन की स्थिति है तो आप अपने घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। ऐसे में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं कि अभी आपने सुना होगा कि ये जो निज़ामुद्दीन मरकज़ में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उसके बारे में लोगों को बताया नहीं गया, पुलिस को नहीं बताई गई और सरकार को नहीं बताया गया और उसमें से जो लोग निकल रहे हैं वो कोरोना से सिर्फ संक्रमित ही नहीं है, कुछ लोग तो जान भी गंवा चुके हैं तेलंगाना जाकर, जम्मू कश्मीर जाकर। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी बात जो निकल के सामने आती है और सिर्फ निज़ामुद्दीन में नहीं, बहुत जगहों पर हम देख रहे हैं देश के अलग अलग कोने पर कि लोग जो है इस लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितनी गंभीर बात है। तो बात समझ से हम शुरू करते हैं, समझ क्यों नहीं है लोगों में, समझ की कमी क्यों है। मैं ऐसा मानता हूं, सब लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है, मेरी धारणा ये है, मैं ये समझता हूं कि लोगों की समझ जो है वो शिक्षा से संबंधित है और जब लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो किसी भी चीज़ की जो अहमियत है या जो बात है वो नहीं समझ पाते हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है। और यही एक कारण है कि जगह जगह पे लोग जो है वो समझ सुन रहे हैं कि सरकार क्या बोल रही है, सरकार क्या कहना चाह रही है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो बात को समझ नहीं रहे है ना, और उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब गंभीरता से आप नहीं लेते हैं बातों को तो उसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है और ऐसी स्थिति के कारण ही कई लोगों की मौत हो रही है आज के समय में। तो इस दौर में जो भी कुछ घट रहा है मैं उसी से संबंधित शिक्षा को कर रहा हूं, जन शिक्षा को कर रहा हूं। मैं प्राइवेट एजुकेशन की बात आज नहीं करूंगा, ना तो प्राइवेट एजुकेशन के अंदर जाऊंगा, सिर्फ पब्लिक एजुकेशन के बारे में बात करूंगा कि पब्लिक एजुकेशन जो है हमारे देश में कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो जन 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 में जो शिक्षा और क्वालिटी शिक्षा जानी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है, लोगों को नहीं जा रहा है, इस कारण से लोग नासमझ होते जा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों की गंभीरता को। सिर्फ आज का मुद्दा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि लोग नहीं समझ पाते। मैं एक और उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने शायद सुना होगा अतुल गावंडे करके एक लेखक हैं, डायरेक्ट वो डॉक्टर हैं, अमेरिका में डॉक्टर हैं, इंडियन मूल के हैं लेकिन अमेरिका में डॉक्टर हैं वो और बहुत ही नामी डॉक्टर हैं और उनकी किताबें भी बड़ी अच्छी हैं। तो अतुल गावंडे ने किताब लिखी बेटर करके, जो बेटर किताब है उसमें अतुल गावंडे बात करते हैं कि वो अपने डॉक्टरी जीवन के बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं, साफ सफाई बहुत सारी बातें होती हैं, एक चैप्टर उन्होंने पोलियो के बारे में लिखा है और इंडिया के बारे में लिखा है। उस चैप्टर में वो बात करते हैं, वो खुद
आते हैं इंडिया और कर्नाटक जाते हैं एक WHO के डॉक्टर के साथ, और जो डॉक्टर एक जिले का जिम्मेदार डॉक्टर था उसके साथ वो ट्रैवल करते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि कुछ केसेस पोलियो के अभी भी बचे हुए हैं, तो उन केसेस को देखने के लिए वो डॉक्टर जाता है, अतुल गावंडे साथ में जाते हैं। जब वहां जाते 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 एक गांव में वो जाते हैं, वहां पे जाते हैं, देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो पोलियो से ग्रसित है, छोटा सा बच्चा, और उसकी माँ से वो पूछते हैं कि आपने हमने तो इतना सारा प्रचार किया, यूनिसेफ प्रचार कर रही थी, और पोलियो का कैंपेन शायद आप लोगों को याद होगा, बहुत ही उम्दा कैंपेन था, बहुत ही बढ़िया कैंपेन था। और उस कैंपेन में उसकी माँ से ये पूछते हैं ये लोग कि आपको तो पता होना चाहिए था, कैंपेन किया तो उस समय बहुत लोग, कुछ समुदाय के लोग या कुछ लोग वो दवा नहीं लेते थे, उसके बारे में बहुत सारी धारणाएं थी, लेकिन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी था वो जानता था कि ये दवा लेने के बाद ही ये पोलियो खत्म होगा। तो प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन वो प्रचार प्रसार उस माँ को और बहुत सारी माओं को समझ में नहीं आया। तो उस माँ ने ये कहा, जिस बच्चे की माँ से उन्होंने पूछा, उस बच्चे की माँ ने ये कहा कि बच्चे की माँ ने कहा कि हमें वो समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं पाई कि वो प्रचार क्या था, है ना। तो वो प्रचार क्या था जब समझ नहीं पाई, और उसके कारण वो दवा नहीं दी, उसके कारण उसके बच्चे का जीवन खत्म हो गया और उसके आंख में आंसू आने लगे। और उसी समय ये अतुल गावंडे और ये जो डॉक्टर हैं ये वहां से आगे बढ़ जाते हैं, ये सोचते हुए कि लोगों में जो जो नासमझी है उसके कारण इस बच्चे की जान चली गई, कितने बच्चे अपाहिज हो गए और कितने बच्चों की जान चली गई पोलियो में। तो उसी तरीके से आज कोरोना भी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो किसी न किसी तरह उनकी नासमझी है, किसी न किसी तरीके से उनमें शिक्षा की कमी है जिसके कारण वो डीप तक नहीं जा पाते और समझ नहीं पाते कि कोई बात कितना जरूरी है और किस हद तक समझना चाहिए। तो यह इस बैकग्राउंड से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, आपको शायद समझ में आया होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। अदिति जी कह रही हैं, हाय संजय जी, हेलो अदिति, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और सुनीता बुद्धिराज जी कह रही हैं, मेरे विचार में समझने से इनकार कर रहे हैं जानबूझकर, जब वो शाहीन बाग में बैठकर कंस्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। तो सुनीता बुद्धिराज जी, आप जो बात कर रही हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पर रिलीजन के ऊपर बात नहीं करेंगे और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इस पर अभी खास करके जन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अब मैं इस परिप्रेक्ष्य से आपको एक पर्सनल नैरेटिव में ले जाता हूँ, अपने अपनी नैरेटिव में जो मैंने कटिहार टू कैनेडी में भी लिखा है, तो उस नैरेटिव में मैं आपको ले जाता हूँ। क्यों मैंने चुना पब्लिक एजुकेशन के मुद्दे को हाईलाइट करने का और उस पर काम करने का, है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जब मैं एक महिला संगठन सेवा है उसमें मैं काम कर रहा था, बहुत साल वहां पे काम किया, 17 साल लगभग काम किया। तो जब मैं वहां पे काम कर रहा था तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया कटिहार जिले में, कटिहार मेरा घर है, गांव मतलब मेरा मेरा मेरी जन्मभूमि है कटिहार, और बिहार का एक छोटा सा बहुत ही बैकवर्ड जिला है कटिहार, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मैं जब वहां पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरा प्रबंधन का काम कर रहा था, तो वो हम लोगों को एक बहुत ही बड़े फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन को आप लोग जानते होंगे, वहां से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, और मेरी एक इच्छा थी कि मैं कटिहार को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से साफ, पूरा सफाई कर दूंगा, कचरा प्रबंधन का काम बड़ा अच्छा चलेगा, और हम लोग उसमें सामुदायिक सहभागिता के साथ हम लोग वहां पे काम कर रहे थे। जो वहां पे गरीब कचरा चुनने वाले लोग थे उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनकी कॉपरेटिव बनाना चाहते थे। तो उस समय हमने ये महसूस किया, जब वो हम काम कर रहे थे, तो हमने जब नगर निगम के साथ काम शुरू किया तो हमने देखा कि उस शहर में इतने लोग हैं और लोगों के बीच इतनी ज्यादा अशिक्षा के कारण, या कहिए कि अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होने के कारण, लोगों में इतनी इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो बातों को समझ पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे थे कि कटिहार को हम ग्लोबल मैप में ले जाएंगे जब हम साफ सफाई करवा देंगे अच्छे से, और एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, है ना, सहकारिता होगा यहाँ पे, सब लोग एक दूसरे को मदद करेंगे, घर घर से कचरा चुना जाएगा। तो लोग जो हैं वहां पे वो अलग तरीके से उसको देख रहे थे, और जो नगर निगम के लोग थे, उस बार मुझे महसूस हुआ कि नगर निगम भारत में कितना करप्ट होता है,
और इतना करप्शन देखा। तो ये उसके बाद ये धीरे धीरे, एक बार ये प्रोजेक्ट बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊंचाइयों पे गया, लोग बहुत सहयोग करने लगे और जो वहाँ के जो नागरिक थे, लेकिन जो छोटे छोटे नेता लोग थे, कुछ काउंसिलर्स थे, वहाँ का मेयर था, ये सब मिलके इसमें से पैसा ढूंढ रहे थे। इसमें से ये नहीं देख रहे थे कि अगर सफाई होगा तो शहर सुंदर दिखेगा, बीमारियां कम होंगी और शहर कितना खुशहाल हो सकता है। लेकिन कई लोग उसमें से ये देख रहे थे कि इसमें से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, वो भी गलत पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट वहां पर हम लोगों के हाथ से छीन लिया गया। और उस समय मुझे महसूस हुआ, मैंने बहुत हारा हुआ महसूस किया, और मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसी घटना थी जो मुझे ये समझाने के लिए मुझे मजबूर किया कि ये अशिक्षा है, और इसी अशिक्षा के कारण मैं भी इसी जगह का जन्मा हुआ हूँ, इसी जगह पढ़ा, यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा, लेकिन मैं शायद बाहर जाकर ऐसी पढ़ाई पूरी की और पढ़ते पढ़ते मैं इतना कुछ मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और जिसमें कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो कैसे सोचते हैं, और जो यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे सोचते हैं। तो उस समय जो मैंने ये डिफरेंस देखा, जो मैंने अंतर पाया अच्छे क्वालिटी उत्तम एजुकेशन की, शिक्षा की, और जो खराब एजुकेशन है उसकी, तो उस समय मुझे लगा कि अगर अगर कुछ ठीक करना है, मैं इन करप्ट लोगों को ठीक नहीं कर सकता, है ना, और मैं पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकता हूँ, शायद करप्शन के सिस्टम को, लेकिन शायद मैं एजुकेशन पे काम करूं, जो जड़ है, कोई भी चीज का जड़ बहुत जरूरी होता है। जड़ को मजबूत अगर हम नहीं करेंगे तो हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो अगर जड़ जो है किसी भी व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्तित्व का जो विकास होता है, वो शिक्षा से ही होता है। जो शिक्षा हम अपने स्कूल में पाते हैं, जो हम समाज में पाते हैं, जो घर में पाते हैं, तो हम क्यों ना हम शिक्षा के ऊपर काम करें। तो उसी समय हमने निर्णय लिया कि मैं, जब उस समय मैं हार्वर्ड पढ़ाई करने के लिए भी जा रहा था, तो मैंने सोचा कि जब मैं हार्वर्ड से लौटूंगा तो मैं गुणवत्ता वाले शिक्षा के लिए, पब्लिक एजुकेशन के लिए, जन शिक्षा के लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि अदरवाइज मैं जितना भी काम कर लूं, नगर निगम के साथ काम कर लूं, पुलिस के साथ काम कर लूं, या किसी विभाग के साथ काम कर लूं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। तो और जो सिस्टम से लड़ने के लिए उन लोगों को एजुकेट करना जरूरी है, और वो लोग जो अब करप्ट हो चुके हैं उनको शायद एजुकेट करना मुश्किल है, क्योंकि वो पैसे के महत्व को दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो भारत का भविष्य है, जो भारत का नागरिक बनने वाला है, तो क्यों ना उनके साथ काम किया जाए। तो उसी समय हमने निर्णय लिया कि पब्लिक एजुकेशन पे काम करेंगे। और उस समय मैं बहुत ही स्टूडेंट से मिलता था, जब भी सेवा के माध्यम से बिहार में काम करता था, तो बिहार में ही नहीं, बहुत जगह विद्यार्थियों से मिलता था, और ये जानकर बड़ी हैरानी होती थी कि हर बच्चा ये कहता है कि वो कोचिंग जा रहा है, पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था, फिर ये सरकारी स्कूल और कॉलेज कर क्या रहे, जब हर बच्चा कॉलेज ही जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ये स्कूल और कॉलेज जो चल रहे हैं, टीचर्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। तो इसलिए भी मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि हम अब पब्लिक एजुकेशन पे ही काम करेंगे। फिर हमने जब कुछ रीजंस को देखे, तो हमने ये पाया कि जब हम छोटे थे तो हमारे साथ कलेक्टर का बच्चा भी पढ़ता था सरकारी स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की बच्ची पढ़ती थी, एमपी का बेटा पढ़ता था, तो सब पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया, 90 के आखिरी सालों तक, और उसके बाद कई जिलों में प्राइवेट स्कूल शुरू हो गए। प्राइवेट स्कूल शुरू होने के कारण जो मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल कॉलेजेस में भेजना बंद कर दिया। फिर उनका जो है, उनका ध्यान वहां से बट गया, वहां से ध्यान हट गया। तो उसके कारण बहुत ही जो गरीब के बच्चे हुए, वही लोग अब सरकारी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। तो मिडिल क्लास का ध्यान वहां से हट गया। स्वास्थ्य अगर आप देखेंगे, पब्लिक हेल्थ भी जो खराब हुआ है, वो इस कारण से हुआ कि हम लोग जो मिडिल क्लास हैं वो अब प्राइवेट हेल्थ सिस्टम जो है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उसको यूज करते हैं। हम अब सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं। जब हम छोटे थे तो सरकारी हॉस्पिटल्स में ही जाते थे, और सरकारी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स अच्छा फंक्शन करते थे।
तो इन सब कारणों से हमने ये भी देखा, कुछ अगर हम इसको थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव दें, कि एक एम्पैथी होता है और एक सिंपैथी होता है। तो आज जब हम गरीबों की बात करते हैं तो बड़ा सिंपैथेटिक होकर बात करते हैं, जब भी कि अरे वो तो गरीब है या उसको कुछ दान दे दो, उसके लिए कुछ कर दो। लेकिन हम एम्पैथेटिक तभी हो पाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन हालात में या वैसे स्थिति में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो समाज के लिए, देश के लिए कितना खराब होगा, मेरे लिए कितना खराब होगा आगे चलकर। क्योंकि हम हमारा एम्पैथी नहीं कर पाते, हमारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो हम एम्पैथाइज नहीं कर पाते। लेकिन जब वायु प्रदूषण होता है, जब जब सबको एक ही जैसा वायु मिलता है दिल्ली में और बड़े शहरों में, तब समझ में आता है कि वो कितना खराब है, प्रदूषण कितना खराब है ना। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, गंभीरता को। कोरोना भी ऐसा ही है, अगर सिर्फ गरीबों को हो रहा होता तो शायद हम उतने नहीं जगे हुए होते, लेकिन ये अमीर गरीब सबको इफेक्ट कर रहा है, तो हम एम्पैथेटिक हो गए। तो हम सिंपैथी से हम एम्पैथी में चले गए, क्योंकि हम भी उसको भोग रहे हैं, हमें भी वो खतरा है। तो जब हम एम्पैथेटिक होते हैं तो हम चीजों को दूसरे तरीके से समझते हैं, जब हम सिंपैथेटिक होते हैं तो दूसरे तरीके से समझते हैं। हमें किसी न किसी तरीके से जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, जो जन शिक्षा है, उसके लिए हमको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा भी वहां पढ़ रहा होता तो कैसा होता, तो वो हमारे लिए क्या होता, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे समाज में, वो हमारे समाज का कैसा निर्माण करेंगे। शिक्षा से ही व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति से ही समाज और देश का निर्माण होता है। अगर शिक्षा नहीं है तो देश, व्यक्ति और समाज का निर्माण नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, लोग समाज निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं आज, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। बड़ा ये थियोरेटिकल चीज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है कि समाज में अपने आसपास स्कूल खराब हो रहे हैं, है ना, हम अपने मंदिरों को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो सरस्वती के मंदिर हैं, वहां जाकर आज कोई नहीं देखता है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, सरस्वती की सही पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है, आज कोई देखने वाला नहीं है। तो हम राष्ट्र निर्माण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं ये चुनौती देता हूं सारे मिडिल क्लास को, सभी लोगों को, और साथ में मैं सुझाव देता हूं कि अगर आप सही में राष्ट्रभक्त हैं, आप सही में राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो आप अपने आसपास के शिक्षा मंदिर में जाइए, जहां आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन जगहों पे जाकर बच्चों के लिए महीने में 4 घंटा 5 घंटा भी अगर आप देंगे, एक बार जब आप स्कूलों में जाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा सरकारी स्कूल में जाने पर कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। वो ये कोरोना के संक्रमण से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तो एक बार में लोगों को लेकर निपट जाएगा, और वो तो हर साल कितने अनपढ़, गंवार और कितने, मतलब मैं कोई निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे नकारात्मक वर्ड नहीं यूज़ करना है, लेकिन कितने अनपढ़ लोग हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने देश में, जो कि आगे चलकर, है ना, हमारे समाज पर एक बोझ के रूप में बनेगा। हम एक ऐसे मजदूर वर्ग को तैयार करेंगे जो कि जिसको समझ नहीं है, जो अच्छा स्किल, अगर हम पढ़ाई लिखाई वाले पढ़े लिखे लोगों को तैयार करेंगे तो हमारा देश ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, और वो तभी हो सकता है जब हम जन शिक्षा को मजबूत करेंगे। अब हम आगे आते हैं। ये तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्यों मिडिल क्लास को इसमें आगे आना चाहिए, है ना। सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ें तभी हमको आगे नहीं आना चाहिए, हमें ये समझ के आगे आना चाहिए कि अगर हम ठीक नहीं करेंगे जन शिक्षा को, फिक्स नहीं करेंगे, तो हमारा समाज अच्छा नहीं बनेगा। अब हम आते हैं जन शिक्षा की चुनौतियों पे। 2 पार्ट्स में मैं आपको चीज़ों को बताने वाला हूँ। अब चूंकि हमारे पास समय 1 ही घंटा है और हम सारे आयामों को तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कवर, लेकिन मैं कुछ आयाम को कवर करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा। पहले बात करते हैं हायर एजुकेशन से, है ना, और दूसरा जो पार्ट करेंगे हम वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कुछ समाधान से जुड़े हुए कुछ हम आयामों पे बात करेंगे जो हम काम कर रहे हैं। तो पहले हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करें, जो मैं समझता हूँ। इस बीच कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि विभा खरे जी लिख रही हैं, विभा जी नमस्ते, आपको आज की सबसे बड़ी चुनौती, बहुत बहुत सही बात कही विभा जी, बहुत खुशी हुई जानकर कि आप भी मेरे बातों से सहमत हैं, और आप कह रही हैं सरकारी स्कूलों का स्तर ठीक करना चाहिए। विभा जी, मैं तो कहूँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा, सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि अपने आसपास के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जाएं,
महीने में 4 घंटा निकालें, 2 घंटा निकालें, 3 घंटा निकालें, जाएं जाकर देखें। वहां जाना आपका अधिकार है, वहां पे हम जैसे आपके जैसे जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं उनका पैसा वहां पे लगता है, वो हमारा पैसा है, हमारे पैसों से बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें खुशी होनी चाहिए कि हम वहां जाएं देखें कि वहां पे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या व्यवस्था है उनके लिए, नहीं है। तो विभा जी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हम आते हैं चुनौतियों पे, हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, पहले उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा कि हायर एजुकेशन जो है बहुत चर्चा में रहा है और खास करके JNU, मैं JNU से पढ़ा हूँ, मैंने JNU से MPhil किया, PhD किया, सब कुछ किया, और उसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा पब्लिक एजुकेशन। तो पब्लिक एजुकेशन से मैंने पढ़ाई की, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की है, लाखों लोगों ने पढ़ाई की, वहां से पढ़े हुए लोग सिविल सर्वेंट हैं, आज तो हमारे सरकार में 2 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं JNU से, और सिविल सर्वेंट हैं, NGOs में काम करते हैं, और बहुत सारे जो पब्लिक सर्विस है, जो जन सेवा होता है, उस क्षेत्र में लोग काम करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत ही स्वायत्तता की बात हो रही है, ऑटोनॉमी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो और अनड्यू इंटरफेरेंस हो रहा है, जितना जरूरत से ज्यादा जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो हम देख सकते हैं इन विश्वविद्यालयों में, सिर्फ JNU में नहीं, बहुत सारे जगहों में, चाहे वो जामिया मिलिया हो, AMU हो, है ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, BHU हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनड्यू इंटरफेरेंस है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए, वो खतरा है। और मैं अगर मैं थियोरिटिकली अगर समझूं और मैं आपसे शेयर करूं कि मैं जो समझता हूं कि 3-4 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं सप्लाई साइड में, और डिमांड साइड में मैं आऊंगा, जो सप्लाई साइड में है वो ये है कि कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, फिर करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है उच्चतर शिक्षा में, और लैक ऑफ लीडरशिप, विजन नहीं है, जो हमारे लीडरशिप हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनके पास विजन की कमी है कि किस तरीके से हम आगे ले जाएं, और टीचर्स के तरफ से भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। फिर डिमांड साइड में अगर हम प्रॉब्लम देखें तो ये हमने देखा है कि जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इंटरेस्ट कम है। आप देखिए हॉस्टल्स के लिए बच्चे इतनी सारी बात रखते हैं। अदिति, मैं जस्टिस की कार्य प्रणाली पे जरूर आऊंगा, आपने अच्छी बात कही, मैं ये इसके बाद में उसी पे आ रहा हूँ, तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। मैं अभी जस्टिस के बारे में जो अदिति चाह रही हैं कि हम आपसे साझा करें, मैं उसके ऊपर जरूर आता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, वो हॉस्टल की बात करते हैं और अपने अलग अलग अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वो अच्छे एजुकेशन के लिए, आपने कितनी बार सुना होगा कि जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं वो बात करते हैं या उसके लिए लड़ाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, और बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आए डिमांड साइड में कि हम यहाँ पे अगर आ रहे हैं पब्लिक फंडेड, जो कि हमारे इनकम टैक्स पेयर्स के पैसों से चल रहा है या देश के पैसे से चल रहा है, तो हम उस पैसे को का गलत इस्तेमाल ना होने दे, हमें अगर ये सुविधा मिल रही है, कम पैसे में अगर हमको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हमें पढ़ने का मौका ढूंढना चाहिए रादर देन कि पॉलिटिक्स करने का मौका मिलना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, जिसके बारे में मैं अभी और शोध कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, और आपको भी चिंतन करने के लिए एक बात छोड़ के जा रहा हूँ कि क्यों ना हम इन कैंपसेस से यूनियंस को हटा दें, है ना। पॉलिटिकल ये यूनियंस जो होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज चलाने लगती हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है। अगर हम यूनियंस को हटा दें और यूनियंस की जगह हम कमिटीज बनाए स्टूडेंट्स की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की कमिटीज नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स अलग अलग क्लब्स नहीं रन करें, जरूर रन करें, लेकिन पॉलिटिक्स का हटना इन कैंपसेस से बहुत जरूरी है। बहुत सारे कैंपसेस हैं जहां पे पॉलिटिक्स या यूनियन नहीं होता है। आप IIM जैसे कैंपस में जाएं, आप बहुत सारे कैंपस हैं जहां पर यूनियन नहीं होता है, कमिटीज होती हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, और पढ़ाई को भी ध्यान देते हैं। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये, और एक चिंतन का विषय है कि क्यों ना यूनियंस को रिकंसीडर करना चाहिए और कैंपसेस से हटाना चाहिए, ये बहुत ही इससे बहुत फायदा होगा। फिर टीचर्स को, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उनका इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, उनका इवैल्यूएशन बच्चों के द्वारा होना चाहिए,
तभी जाकर पता चलेगा कि कौन सा टीचर कितना कितने अपने आप को तैयार रखता है पढ़ाने के लिए, कितनी नई बातें पढ़ाता है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं वो, कितना रिसर्च करते हैं। जब स्टूडेंट्स इवैल्यूएट करेंगे तो उनके ऊपर एक तरीके का दबाव भी होगा। अभी जो भी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स हैं उन पर कोई दबाव नहीं होता है, वो अपने आप को एक सिक्योर नौकरी जैसा मानते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आखिरी में ये मानता हूँ कि जो पब्लिक एजुकेशन की फंडिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है अभी हमारे देश में। बहुत लोग ये मानते हैं कि पब्लिक एजुकेशन को स्क्रैप कर देना चाहिए, उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। आप ये सोचिए कि हम आप सब ने कहीं ना कहीं, या आपके पिताजी, परदादा, दादा सब ने पब्लिक एजुकेशन का फ़ायदा उठाया है, लाभ उठाया है। आज के जनरेशन को भी वो लाभ मिलना चाहिए। हमें लगता है कि प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है धीरे धीरे, और जिस हिसाब से 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख साल का पढ़ाई का लगता है कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बच्चे लोन में चले जाएंगे, फिर वो कमाने के लिए सोचेंगे, और फिर धीरे धीरे जो पब्लिक एजुकेशन से जो लोग पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं वो वहाँ से हटते चले जाएंगे, और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का ही बोलबाला सब तरफ होगा। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और उनको पढ़ाना भी चाहिए, और मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतने महंगे महंगे प्राइवेट एजुकेशन होते जा रहे हैं। तो अभी कई दशक तक हम लोगों को पब्लिक एजुकेशन, जन शिक्षा जो है वो पब्लिक फंडिंग से ही चलाना चाहिए। अब मैं आता हूँ एडजस्टिस के बारे में बताने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा तह में जाना जरूरी है, और तह ये है कि मैं बिहार से हूँ, तो मैंने सबसे पहले जब हार्वर्ड से पढ़ाई करके लौटा आज से 5 साल पहले, तो मैंने क्या किया कि कुछ लोगों से बात करनी शुरू की, कुछ रिसर्च करना शुरू किया, बिहार में गया, दिल्ली में, इधर उधर पता किया कि क्या हो रहा है पब्लिक एजुकेशन में। फिर बात करते करते जो हमने बिहार में जो हमने डेटा निकाले, और आज जो डेटा आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, इतने हिला देने वाले हैं। और बिहार ही एक स्टेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, खास करके जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वहाँ पर पब्लिक एजुकेशन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो बिहार एक उदाहरण के तौर पे आपको पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं कुछ। बिहार में लगभग 1,25,00,000 युवा हैं 18 से 23 वर्ष के, जिसमें से सिर्फ 1,78,000 जो युवा हैं वो कॉलेजेस में इनरोल्ड हैं। सिर्फ 32.57% 16 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं वो स्कूल में इनरोल्ड हैं। लगभग 1 से 10वीं क्लास तक 70% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। 1,00,000 के औसत जनसंख्या पे 7 कॉलेज हैं, जबकि जो नेशनल औसत है, राष्ट्रीय औसत है, वो 28 कॉलेज 1,00,000 पॉपुलेशन पे है। ये मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसे परिस्थिति में 11 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता है, है ना। आज भी आप देखते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, अनट्रेंड, बिना प्रशिक्षण वाले माइग्रेंट, बिना पढ़े लिखे माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज्यादा बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं। 70% जो विद्यालय हैं उसमें लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, या तो सुविधा है तो वो काम नहीं करता है। जो 92% स्कूल्स हैं, जो 92% जो विद्यालय हैं उसमें कंप्यूटर नहीं है। और मैं अपने स्कूल की बात बताऊं आपको, कटिहार में है, कलेक्टरेट के बिल्कुल 500 मीटर पे है, कलेक्टर के घर से 200 मीटर पे है ये स्कूल, जिला मुख्यालय में। और आप मानेंगे नहीं, अगर आप स्कूल में जाएंगे, मैं तो जा जा के रोता हूँ वहाँ पे, कि वहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक टीचर है, और वो भी म्यूजिक के। तो आप सोचिए कि वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे अगर, तो ऐसे में सब बच्चे कोचिंग जाते हैं। और आप बिहार की अगर स्थिति देखेंगे तो 99% बच्चों से आप पूछेंगे, जिससे भी पूछिए आप, वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं के बराबर होती है। अगर क्लासेस होती भी हैं तो बच्चे फिर भी कोचिंग जाते हैं, और क्लासेस अगर होती हैं तो कई सारे स्कीम से जुड़ा हुआ है उनको, उस स्कीम्स का लाभ लेने के लिए बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन अन्यथा वो कोचिंग में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से हमने क्या किया कि एक हमने सोचा कि ये समस्याओं की बात तो सब लोग करता है, और सब कहते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, सरकार खराब है, देश खराब है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं,
ये हमने सोचा कि हमें इस सोच के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम, कुछ रचनात्मक कार्य शुरू करना चाहिए। और मैंने उस समय सोचा कि एक मुहिम चलाया जाए जिसमें कि हम इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात करते हैं लेकिन इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेरी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, ये सोचकर एक अभियान चालू किया हमने। और इस अभियान का नाम दिया एड जस्टिस जन शिक्षा अभियान। और एड जस्टिस का मतलब होता है एजुकेशन जस्टिस। और एजुकेशन जस्टिस मैं मानता हूं कि अगर किसी को शिक्षा का न्याय अगर मिल गया तो और किसी भी न्याय की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय वगैरह जो है ये सब ढकोसला है और ये राजनीतिक बातें हैं। आज शिक्षा न्याय जो मुझे मिला, मेरे माता पिता स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने मुझे पढ़ाने पे अपना पूरा जोर डाला और मुझे पढ़वाया, और मुझे मैंने जो पढ़ाई की उसी कारण से मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ और आप सब जुड़ रहे हैं। सब हम लोग एजुकेशन के प्रोडक्ट हैं, शिक्षा के प्रोडक्ट हैं। तो मैंने ये माना कि एजुकेशन जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमने इसका एड जस्टिस नाम रखा। और एड जस्टिस की शुरुआत सबसे पहले हमने किया, उसमें हमने मॉडल ये बनाया कि ज्ञान दान का मॉडल होगा और ज्ञान दान के माध्यम से हम लोगों को जागृत करेंगे, खास करके मिडिल क्लास को, कि आप सामने आओ और आप अपना समय इन स्कूलों में जाकर इन गरीब बच्चों के लिए, या जो भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, इन स्कूलों में जाकर बच्चों को आप अपना ज्ञान बांटो, है ना। हम अपने महीने में कितने घंटे हम बर्बाद कर देते हैं, कितने घंटे हम राजनीतिक चर्चा कर देते हैं, लेकिन हम जाकर इन बच्चों के पास नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे वो तो गरीब का बच्चा है, या वो अगर खराब हो रहे हैं तो उससे हमारा क्या। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। तो हमने ये आह्वान किया, हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कुछ एक टीम बनाई वॉलंटियर्स की। ये दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU, जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो इनका एक ग्रुप है हमारा। हम लोग ये वॉलंटियर्स हैं, हम सब वॉलंटियर्स हैं इसमें। हम अपनी नौकरी करते हैं, ये बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपनी नौकरी कर रहे हैं और साथ में हमें समय देते हैं। तो ये सारे वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स लेड कैंपेन है। और इस कैंपेन के माध्यम से हम ज्ञान दान का आंदोलन चला रहे हैं। तो पहला, ये ज्ञान दान के अलग अलग मॉडल्स हमने इसमें बनाए हुए हैं। पहला मॉडल ये है कि हम जमीन पे जाकर, यानी कि हम स्कूलों में जाकर हम बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, कार्यशाला करते हैं, जो हमें आता है और जो उनके सिलेबस में कवर नहीं किया जाता या जो उनके शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसा हमने अपने स्कूल से शुरू किया। आज हम 6 जिलों में एक एक स्कूल को लिया हुआ है, हमने चुना हुआ है और इन 6 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। कटिहार से शुरू किया, फिर हम पूर्णिया गए, फिर हम सहरसा गए, फिर हम बेगूसराय गए, मधुबनी गए, मुजफ्फरपुर गए, और ऐसे कर करके हम लोग इन जिलों में एक एक स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं। और बेगूसराय में एक मिडिल स्कूल में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो अलग अलग स्कूल में हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये काम में हम वर्कशॉप करते हैं और जाके लोकल लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, रिटायर्ड लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आकर अपना 4 से 5 घंटा अगर समय दे दे महीने में, तो आप कितना ज्ञान बांट सकते हो बच्चों में, है ना। जैसे आप मुद्दे अलग, डॉक्टर है तो कोई मेडिकल अवेयरनेस के, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आके बता सकता है, कोई अगर लॉयर है तो वो जाकर बच्चों के, उनके राइट्स के बारे में बता सकता है, तो अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग चीज बता सकते हैं। इंजीनियर हैं अगर तो वो जाकर बच्चों को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मान लीजिए कि जैसे कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, वो हर कोई जाकर बच्चों को गाइड कर सकता है, क्योंकि जो ये बच्चे इन स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, उनको मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। उनको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, आगे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है उनके जीवन में। तो ये हमने मॉडल शुरू किया, लोकल लोगों से हम आह्वान कर रहे हैं। और फिर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं, जैसे उन जिलों के, जिस भी जिले का भारत में बच्चा बाहर पढ़ता हो, वो लौट कर कैसे जब छुट्टियों में जाता है तो वो कैसे अपने वहाँ स्कूल कॉलेज में जाकर कुछ घंटे वो क्लास ले सकता है, तो ये भी हम कर रहे हैं। और सफलता हम इसमें मान रहे हैं अब कि अब बिहार में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिहार के जो बाहर पढ़ते हैं, और वो जब जा रहे होते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे कैंपेन को, और वो पूछते हैं कि हम किसी के स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं क्या, तो इतनी खुशी होती है, और वो जाकर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि सब लोग अपना समय अगर देते रहें इस तरीके से, तो हम कितने स्कूल कॉलेज में बदलाव ला सकते हैं बच्चों के बीच में। तो ये है मॉडल नंबर 1। अब मॉडल नंबर 2 क्या है ज्ञान दान का, ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है कि, और आज के समय में तो बहुत ही कारगर है, कि मेंटरिंग करना। हम चाहे कोई भी हो, चाहे हम लेखक हों, चाहे हम एक स्टूडेंट हों, चाहे हम इंजीनियर हों, चाहे हम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हों, हम सबको कोई ना कोई मार्गदर्शक की जरूरत होती है। तो हमने ये शुरू किया कि एक मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए, जो कि वर्चुअल मेंटरिंग की बात करेंगे। ऐसे ऐसे तो कोई एक रुकावट ये होती है कि आप भाई
कोई बड़े शहर में नहीं हो तो आपको मार्गदर्शन करने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता है। तो हमने उस रुकावट को, उस बाधा को खत्म किया और हमने व्हाट्सएप कॉल को, व्हाट्सएप वीडियो कॉल को एक माध्यम बना दिया। तो हमने पहला जो प्रयास शुरू किया कटिहार से शुरू किया और अब वो कई जिलों में पहुंच गया है। तो कटिहार से शुरू किया, आप एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कटिहार की एक बच्ची है जो अब 9वीं क्लास में जा रही है और वो रिक्शा चालक की बेटी है और बहुत मेधावी है और बहुत ही होशियार है, काबिल है, एथलीट है बच्ची। और उसको मेंटर करने वाली जो महिला है, उसकी मेंटरिंग हो रही है, उसको जो मेंटर करने वाली महिला है वो शिकागो में रहती हैं, बिहार की रहने वाली लेकिन अब शिकागो में सेटल्ड है, अमेरिका में सेटल्ड है। और वो वहां से मेंटरिंग करती हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू, उसके चैप्टर्स के फोटोज लेती हैं, उनको पढ़ाती हैं, उनको इंग्लिश बताती हैं। तो वो अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से उनको गाइड कर रही हैं। आप सोचिए, ये कमिटमेंट हम लोग एक साल के लिए मांग रहे हैं, लेकिन हमें मानना, हमारा ये मानना है कि एक साल में वो ऐसा बॉन्ड डेवलप कर लेंगे कि आगे भी उनको मार्गदर्शन मिलता रहेगा इन बच्चों को। तो ऐसे ऐसे हमने पेयर्स बनाने शुरू किए हैं, बहुत सारे मेंटीज हैं और बहुत सारे मेंटर्स हैं। अभी लगभग 30 पेयर, अभी हमने जस्ट ये शुरू किया है कुछ महीनों पहले, 30 पेयर्स अभी बन चुके हैं। आप भी अगर मेंटर बनना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे अभियान के मेल आईडी पे लिखें adjusticeedjustice.official@gmail.com, हमारा फेसबुक पेज है @adjusticeindia। तो ऐसे माध्यम से आप भी बच्चों को मदद कर सकते हैं। इसमें सप्ताह में हम आपको सुझाव देते हैं कि 1 घंटा समय दें, मेंटर्स 1 घंटा समय देते हैं, और उससे ज़्यादा अगर मेंटर मेंटी समय ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो ये उनके बीच में है, लेकिन हम ये गाइड करते हैं कि आप 1 घंटा समय दें। तो देखिए आप किस तरीके से हमने इस कैंपेन के आधार पे, कुछ जो हमारे मेंटर्स हैं वो जर्मनी में हैं, एक मेंटर हैं जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, वो एक शिकागो में जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय है वहाँ पे प्रोफेसर हैं, और वहां से वो बेगूसराय की एक लड़की जो बीएससी मैथ्स कर रही है उसको मेंटर कर रही है। तो ऐसे ऐसे बॉन्डिंग हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से हम बच्चों को वर्चुअल मीडियम से एक उनके उनके उनको मदद करने में, उनको आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। तीसरा मॉडल है हमने शुरू किया, वो वर्चुअल क्लास का शुरू किया। और वर्चुअल क्लास में आप जानकर हैरान होंगे कि इतने वॉलंटियर्स हमको मिले हैं वर्चुअल क्लास लेने के लिए, टीचर्स मिल रहे हैं। और अभी हाल में हमने, अभी तो वहाँ पे कई जगह, मतलब सब जगह अभी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जब तक स्कूल चल रहे थे और हम उसको रिज्यूम भी करेंगे, तो वर्चुअल क्लास में एक जर्मनी में एक लेडी हैं रजनी जी, और वो रजनी जी जो है वहां से मैथ्स पढ़ाती हैं बच्चों को, बेगूसराय के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया उन्होंने, घंटों क्लासेस लिया। तो ऐसे में सोचिए आपकी जो ज्ञान है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। रजत जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। अनीता जी, आप जो कह रही हैं ये सोशल मीडिया के बारे में, बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैनर से हम उसको यूज कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित क्रांतिवीर जी कह रहे हैं ज्ञानदान आंदोलन बहुत नेक काम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े हैं, आप सब इस आंदोलन से जुड़े हैं और इसकी बात को आप फैलाएं, ये बहुत ही नेक आंदोलन है। हम तो चाहते हैं कि ये पूरा आंदोलन देश भर में जाए, और जितने मॉडल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये मॉडल सिर्फ बिहार तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल रेप्लीकेबल मॉडल है। और हमने मॉडल ऐसा डेवलप किया जहाँ पे पैसों का कोई लेन देन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्ञान का, ज्ञान बांटने का काम चलता है इसमें, और ज्ञान के माध्यम से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो वर्चुअल क्लास जो थर्ड मॉडल हम बता रहे थे आपको, वर्चुअल क्लास कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड करेंगे, है ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपने कठिनाइयों का सामना करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे हमको आगे ले जाना है। लेकिन हमने इसमें एक प्रण लिया हुआ है, एक निश्चय किया हुआ है कि हमें ये नहीं सोचना है कि स्कूल में ये खराब है, वो खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, ये लोग खराब है, डीएम खराब है, कोई खराब है, कुछ भी खराब है, इसके बारे में नहीं सोचना है। हम क्या दे सकते हैं, हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, हम डायरेक्ट बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और जब हम एक बार बच्चों के साथ काम करने लगेंगे, जब हम स्कूल में जाने लगेंगे, तब हमें पंखा ठीक कराने की बात समझ में आने लगेगी, तब हमें लगेगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तो अपने आप सब कुछ वहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ठीक करने में प्रयास करने लगेंगे। और जब एक बार ये सब, तो ये मॉडल्स हैं ज्ञान दान के, और जब एक बार ये सब चीज़ें होने लगेंगी, तब लेटर स्टेज पे हमने ये सोचा हुआ है कि हम लोग एलुमनाई के नेटवर्क्स बनाएंगे हर पुराने स्कूल कॉलेज में। हम जो बेगूसराय में स्कूल में काम कर रहे हैं, मिडिल स्कूल बीहट में, तो वहाँ से आप सोचिए बीपी सिंह जो यहाँ के भारत के गृह सचिव थे, और वो वहाँ से पढ़े हुए हैं, है ना, इतने विद्वान लोग उन जगहों से पढ़े हुए हैं, तो सरकारी स्कूल से, तो वैसे वैसे लोगों का हमें नेटवर्क बनाना है,
ताकि वो जाकर वापस अपने स्कूल कॉलेज को फिर से निखार सकें, उसमें योगदान दे सकें, और वो जब एक बार जाने लगेंगे तो लोग आपस में एक साथ जब नेटवर्क बना के काम करने लगेंगे तो बहुत सारे काम होने लगे। मैं एक उदाहरण आपको और दूं कि जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में हम लोग गए अपने एक जन शिक्षा जो हमने अभियान चलाया हुआ है उसमें हमने एक यात्रा रखा, जन शिक्षा यात्रा रखा। तो उसमें जब हम मुजफ्फरपुर पहुंचे और जिला स्कूल गए तो वहां के बारे में हमने कुछ लिखा कि जिला स्कूल का बिल्डिंग इतना सुंदर लगता है मुजफ्फरपुर का, और जिला स्कूल में पढ़ना हमारा सपना हुआ करता था उस समय में, लेकिन आज वो एक खंडहर के रूप में बदलता जा रहा है, बदल चुका है। और तो वो जब फोटोज डाला, उसके बारे में डाला, तो हमारे फेसबुक पे जो जिला स्कूल में पढ़े हुए कुछ लोग हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया और पूछा, रहे ये तो जिला स्कूल है मुजफ्फरपुर का। हमने कहा हाँ, लेकिन आप तो अब नहीं जा रहे वहां पर, और अब जब लोग जाते हैं अपने बच्चों को लेकर जो लोग आगे बढ़ चुके हैं जीवन में, तो वो सिर्फ जाते हैं और फोटो डालते हैं अपने बच्चों के साथ कि मैं यहीं से पढ़ा था, और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं, ये भूल जाते हैं कि यहीं से मैं पढ़ा हूँ, इसी स्कूल कॉलेज से पढ़ा हूँ, कैसे मैं इसको वापस कुछ दे सकता हूँ। ये सबसे जरूरी चीज है। अगर हम उस स्कूल कॉलेज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाऊं, आज मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कंट्री डायरेक्टर हूं, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट का, ये मेरी सफलता मैं नहीं मानता हूं। मैं अपनी सफलता तब मानूंगा कि जब मैंने जो पढ़ाई की उन सब जगहों से या पब्लिक एजुकेशन से जो मैंने पढ़ाई ली, जो शिक्षा ली, वो उसको मैं वापस कितना दे सकता हूं, अपने स्कूल अपने कॉलेजेस को वापस कितना दे सकता हूं, वो मैं उसको सफलता मानूंगा। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोग इस तरह के काम करें, हमारे अभियान से जुड़े, या अपने स्तर पे जो करना चाहें वो आप करें। तो जैसा मैं बता रहा था कि आगे चल के हम एलुमनाई नेटवर्क बनाने की बात सोच रहे हैं, फिर उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को हम सरकार के साथ मिलके, और इस पूरे कैंपेन में हम सरकार के लिए बिल्कुल नकारात्मक भाव नहीं रखते हैं। हम मानते हैं कि सरकार के साथ मिलके हमें ये काम करना है, और सरकार के साथ मिलके जब हम काम करेंगे तभी हमें सफलता हासिल होगी। आज भी जैसे हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो सरकार के साथ लड़ रहे हैं, सरकार के विरुद्ध जाके नहीं लड़ रहे हैं। तो सरकार के विरुद्ध जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें सबको साथ में जुड़ना पड़ेगा। फिर आगे चल के हमें पीटीएम जैसे चीजें हैं वो सरकारी स्कूल कॉलेज स्कूलों में नहीं होती है, विद्यालयों में नहीं की जाती है, तो उनको हम कैसे फिर से इस्टेब्लिश करें, और पेरेंट्स को कैसे हम साथ में लाएं, पेरेंट्स को हम कैसे बताएं कि जो शिक्षा है वही एक कुंजी है हर सफलता की। और अगर हम एक ही जनरेशन में अगर हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, हम आप जितने लोग वॉच कर रहे हैं, मैं अपने जीवन की बात बताऊं तो मैंने तो सिर्फ एक ही जनरेशन में इतना बदलाव देखा शिक्षा का, है ना, पूरा कर्व जो है बिल्कुल कहां से कहां चला जाता है। और अगर हम सब मानते हैं कि अगर हमें पूरे भारत का कर्व अच्छा करना है तो एक ही चीज़ है जो हमें आगे ले जा सकता है, वो है शिक्षा और जन शिक्षा। क्यों? क्योंकि आज भी अलग अलग राज्य में 60-70% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल कॉलेज अगर मजबूत होंगे तो क्या पता कल को आने वाले समय में जो मिडिल क्लास है वो भी अपने बच्चों को वहीं पे भेजना शुरू करें, और अगर वहाँ नहीं भी भेजना शुरू करें तो सबसे बड़ी विनती मेरी जो है वो मिडिल क्लास से है कि आप जरूर से अपने आसपास के स्कूल कॉलेज में जाएं, झांकें, है ना, आप जाकर देखें कि उन शिक्षा मंदिरों का क्या हाल है, कितना बुरा हो चुका है, कितना खराब हो चुका है, जर्जर हो रही हैं इमारतें। लेकिन आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत स्कूल कॉलेजेस में घूमता हूं, आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के पास है वो प्राइवेट एजुकेशन में नहीं है। तो अगर आप जाएं आसपास के स्कूल कॉलेज में, है ना, तो आप देखेंगे कि कितने बुरे हाल में हमारे शिक्षा जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी हालत कितनी बिगड़ी हुई है। और वहां पर आप कुछ नहीं करें, 4-5 घंटा समय देने के लिए आप कुछ ग्रुप बनाएं, छोटा मोटा ग्रुप बनाएं कुछ लोगों का, और जब तक मैंने कई लोगों से बात किया तो लोग ये कहते हैं कि वो नहीं कर रहा है, अरे हम तो कर ले, मैं तो कर लूंगा, वो नहीं कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप अपने आप को मैं समझ के खुद तो शुरू करो, आप लीड बाय एग्जांपल बनो ना, आप अपने आप को लीड करो, आप दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब आप दूसरों के बारे में बात करोगे। तो हमारे समाज में हम लोगों के अंदर एक भावना है कि वो नहीं कर रहा इसलिए मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं करता हूं, मैं करती हूं, तभी दूसरे देख के कुछ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए,
उसके बाद हम दूसरों को ये बताएं कि आपकी भी जिम्मेदारी है, और धीरे धीरे आपको देखकर लोग प्रेरित होंगे। और जैसा हमने बताया कि अगर आप एड जस्टिस शिक्षा कैंपेन से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, adjustice.official@gmail.com, adjustice.official@gmail.com, और साथ में हमारा फेसबुक पेज है @adjusticeindia। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए और हमें हमारा जो हमारी जो ताकत है उसको आप और बढ़ाइए और मजबूत कीजिए हमें। हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसमें आप अपना योगदान दीजिए। मैं मानता हूं कि आज जितनी ऊर्जा हम अपने सोशल मीडिया पे देते हैं, जो हम सोशल मीडिया एक्टिविज्म करते हैं, उसमें से निकलने की ज़रूरत है। और क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविज्म से देश नहीं बदलने वाला है, समाज नहीं बदलने वाला है, और सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात करने से राष्ट्र नहीं बदलने वाला है, सिर्फ राष्ट्र प्रेम घोषित कर देने से कि मैं एक राष्ट्र प्रेमी हूं, इससे देश नहीं बदलने वाला है। देश बदलने वाला है तो मेरे और आपके हाथ गंदा करने से बदलने वाला है। हाथ को गंदा करना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। और कुछ घंटे ही दीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि अपना सब कुछ छोड़कर और आप स्कूल कॉलेजेस में जाइए, कुछ घंटे ही दीजिए, 2 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या होता है, जरूर बदलेगा। और अगर नहीं बदलेगा तो देश बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमारे ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट, जो पढ़ा पा रहे हैं मिडिल क्लास के बच्चे, वो अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े शहरों में आ जा रहे हैं, उन जिलों में, उन गाँवों में घरें खाली हो रही हैं, लोग माइग्रेट करते जा रहे हैं। तो जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में मजबूत होगा, वहाँ पे विकास के केंद्र बनेंगे। अगर लोग वहाँ के पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, तो वहीं पे वो नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे, नई नई चीज़ें वहाँ पर इनोवेट करेंगे, और उससे वहाँ की तरक्की होगी। जब वहाँ की तरक्की होगी तभी देश, जब अलग 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 जगहों पर तरक्की करेगा, तभी हम सारे बीमारियों से, सारे चाहे वो माइग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एक जगह से दूसरे जगह काम ढूंढने के लिए जाना प्रॉब्लम हो, या फिर बेरोजगारी की समस्या हो, या फिर शहरों में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, सारे समस्याओं से हम लड़ तभी पाएंगे जब सबसे पहले हम अलग अलग राज्यों में, हम जो जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, जितने जिला हैं, वहाँ पर हम लोग शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और अपने, अभी कई जगह चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होते रहते हैं, अपने MLAs को चैलेंज कीजिए, विधायकों को चैलेंज कीजिए, वो इलेक्शन जीतने का इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या अपने जहाँ पे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, वो एक स्कूल को नहीं ठीक कर सकते हैं? तो इसको उजागर कीजिए, इन बातों को लाइए, अपने सोशल मीडिया एक्टिविज्म में लाइए कि विधायक लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, MPs लोग क्या कर रहे हैं, नगर निगम के पार्षद लोग क्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है स्कूल कॉलेजेस को ठीक करने की, हमारी जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते इन मुद्दों को सामने लाने की। लेकिन बात तो सामने लाइए, ये नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ लिया, आप पढ़ लिए तो देश पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा और तभी जाकर कुछ हो सकता है। अब आपसे इजाजत लूंगा, इसके पहले कुछ लोग जो यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रभात मिलिंद जी, बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक जानकारी है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपके द्वारा अनुवादित किताब, मेरी किताब कटियार टू केनेडी, जो इंग्लिश से हिंदी में आपने अनुवाद किया है, वो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होगी और आप सारे रीडर्स तक, जितने भी पढ़ने वाले हैं और खास करके हिंदी हटलैंड में, वो उनके पास पहुंच पाएगा। तो प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय अमान जी कह रहे हैं, सर आपका अभियान बहुत ही सराहनीय है वर्तमान प्रदेश में ग्रामीण युवाओं में सामाजिक युवा जी। बिल्कुल संजय जी, आप जो भी बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी कह रहे हैं, राष्ट्र कहने से राष्ट्र नहीं बदलेगा। बिल्कुल सर, जब तक जमीनी स्तर पर पहल नहीं होगी। मैं बिल्कुल मानता हूँ अमित क्रांतिवीर जी की, अगर हम अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, और ये जो राष्ट्र क्रांति की बात करते हैं और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, मैं मानता हूँ ये कई लोगों को सुनने में बुरा लगेगा शायद, लेकिन ये झूठा है ये प्रेम। क्योंकि अगर राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र प्रेम है और सच्चा प्रेम है, तो अपने समाज में झांकिए, अपने आसपास झांकिए, देखिए क्या क्या बुराई है, क्या क्या खराबी है, उसको ठीक कीजिए। वहां आप ठीक करेंगे तो राष्ट्र प्रेम आपका झलकेगा, दिखेगा। नहीं तो आप राष्ट्र प्रेम एक सिर्फ आप एक बॉक्स में
थ्योरी के रूप में, आप एक सिद्धांत के रूप में आप बात करते रह जाएंगे, उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। तो आप सबसे इजाजत लूंगा और कहूंगा कि जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इस संक्रमण के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घरों में बंद रखें, खूब पढ़ें और कई क्रिएटिव चीज करें, और साथ में आप मौका लगे तो हमारे बारे में ज्यादा जानें, एड जस्टिस के बारे में ज्यादा जानें, अभियान के बारे में, और एड जस्टिस से जरूर जुड़े। और एड जस्टिस से जुड़ेंगे आप तो हमारी ताकत बढ़ेगी, और हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम सबकी ताकत बढ़ेगी। और अनीता पांडे जी कर रही है कटिहार से, कैंटी का इंतजार रहेगा। अनीता जी शुक्रिया, मुझे भी इंतजार है और सबको इंतजार है। तो हम इस दौर से निकलें, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि कटिहार से कैंटी का जो हिंदी रूपांतरण है वो हम सबके हाथ में होगा। और आप सबसे इजाजत लेता हूँ। अंत में मैं वाणी प्रकाशन का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, अदिति जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अरुण जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दीपा का, जिन्होंने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में मदद किया। आप सबको, जो लोग इसको वॉच कर रहे हैं, सब लोगों को शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि इस लाइव के माध्यम से और जो रिकॉर्डेड वर्जन लोग देखेंगे उसके माध्यम से एक चीज़ तो हम जरूर सोचेंगे और समझेंगे कि जन शिक्षा जो है उसको मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। वही हमें एक सफल राष्ट्र, और जो हमें, अगर हमें बड़ा राष्ट्र बनना है और एडवांस्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए यही रास्ता है। हमें उन्नति का रास्ता जो है वो एक अच्छी जन शिक्षा व्यवस्था ही हमें वो रास्ता दिखा सकता है। तो ये मानते हुए हम लोग कुछ ना कुछ करें, अपने तरीके से करें, और जो भी चीज़ हम कर सकते हैं वो जरूर करें, दूसरों पर ही ना टालें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।